प्रणाम अम्मा प्रणाम। खुश रहो। अरे भाई ये लॉकडाउन में क्या किया था? हम सुने बहुत लापरवाही किया है। नहीं कोनो लापरवाही नहीं किया, लेकिन बाजार में सारा सामान लेने तो जाना पड़ता है ना अम्मा। फल है, सब्जी है, फ्रूट है, अंगूरी वैसे ही बहुत खाती है, मतलब जो भी है, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता ना तुम्हारे कहने से, इसलिए जाना पड़ा मार्केट और कुछ नहीं। तो जाने से कौन मना किया है? लेकिन मास्क लगा के गए हो कि नहीं? नहीं मास्क लगा गए थे, एक दो बार भूल गए थे अम्मा, लेकिन फिर भूल कैसे गया? जानता नहीं है कितना बड़ा बीमारी है दुनिया में है? नहीं वो तो हमको पता है। और हाथ पांव धोता था कि ऐसे चला आता था घर से? नहीं हाथ पांव धोते थे, कभी कभार भूल जाते थे, उसमें भूल गए तो कैसे भूल गए? क्या करे अम्मा, तुमसे बड़ी बीमारी थोड़ी है। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हमने तो कहा कोरोना वाकई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, हम दोनों जो है आरटीपीसीआर टेस्ट करा के बैठे हैं और दोनों ही ईश्वर कृपा से नेगेटिव हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें और बाकी फैमिली वालों का भी आप ख्याल रखें। हमेशा हाथ धोते रहें, मास्क लगा के बाहर निकले और 2 गज की दूरी बना के चले। और भाभी जी घर पर इस दौरान जरूर देखते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान Zee5 पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल भाभी जी घर पर है ही है। और हाँ, इस शो को देखने से आप हमेशा हंसते रहेंगे, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जी बहुत सारे जो है बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहने अस्पताल के बिस्तर से भी खड़े हो गए हैं। ये मैं आपको वाकई एक बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अस्पताल से बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके ये कहा है कि तिवारी जी, भगवती जी, आप वाकई बहुत बड़ी चिरांद है। तो हम चिरांदों को देखने के लिए आप भाभी जी घर पर ऐसे जुड़े रहिए। क्यों अम्मा सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बाद में हम पंडित रामपुर का नुस्खा भी बताएंगे। वो भी एका का बोला रे कछु नहीं।